What's up guys, my name is Jaden, you are watching Jaden Talks Sports, so let's get started without wasting any more time. हम बात करने वाले हैं डोजकॉइन के बारे में, जो हाँ डोजकॉइन से रिलेटेड एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है, दोनों ही के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। और उससे पहले एक बता देता हूँ, जिन लोगों को जीतना है मेरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यह वीडियो पूरी देखकर उसके बाद में उसे देख सकते हैं। डोजकॉइन प्राइस लगभग चल रहा है लगभग 26.75 रुपए के हिसाब से, रैंक चल रहा है 6, प्राइस में लॉस हो चुका है लगभग 14.5% के, और नीचे आ जाते हैं जहां पर हम ग्राफ देख लेते हैं वन डे का, और हमें लगभग गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। यहां पर 0.42 पर गया था कॉइन बेस प्रो पर जब लिस्ट होने की न्यूज आई थी, तो उसके बाद में और डोजकॉइन से रिलेटेड एलन मस्क ने कुछ ट्वीट वगैरह भी किए थे, बट उसके बाद में डोजकॉइन से रिलेटेड कोई भी ट्वीट नहीं है, उसकी वजह से भी प्राइस नीचे जा रहा है। और मेन रीजन है जहां पर बिटकॉइन क्रैश हो चुका है, मार्केट ही क्रैश हो चुका है, इसकी वजह से यहां पर प्राइस नीचे आ गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मार्केट में हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट उससे पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए एक बैड न्यूज हो गई कि मार्केट क्रैश हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में सबसे दूसरी न्यूज आते हैं, मार्केट क्रैश के बाद में हम आ जाते हैं डोजकॉइन इवेंट्स एंड न्यूज में। तो डोजकॉइन का फिलहाल कोई भी नया इवेंट नहीं आने वाला है, कोई भी अपकमिंग इवेंट नहीं है, न्यूज वगैरह नहीं है इसके बारे में, तो हो सकता है इसके प्राइस में बढ़ोतरी हमें नहीं देखने को मिले। पहला दूसरा पॉइंट आ जाते हैं हम ट्विटर पर, जहां पर डोजकॉइन का ऑफिशियल पेज से पहले हम आ जाते हैं एलोन मस्क का दिखा देते हैं, एलोन मस्क, क्योंकि यही है इनके कर्ता धर्ता। तो यहां पर इनका कोई भी ट्वीट नहीं है अबाउट द डोजकॉइन, तो डोजकॉइन के प्राइस में कोई अभी इजाफे की घड़िया में मंजूर नहीं दिख रही। इसके बाद में आ जाते हैं हम बढ़िया खबरों की तरफ, जहां पर डोजकॉइन के ऑफिशियल पेज पर आ जाते हैं। सबसे पहली ऑफिशियल न्यूज हमें देखने को मिल रही है कॉइन बेस प्रो पर, तो लिस्ट हो चुका था हमें पता ही था, उसके बाद में कुछ बातें चल रही थी र्यूमर्स की कॉइन बेस पर भी लिस्ट हो चुका है, कॉइन बेस पर भी लिस्ट होना चाहिए, तो यहां पर फाइनली कॉइन बेस पर भी लिस्ट हो चुका है, डोजकॉइन के ऑफिशियल पेज पर भी है और कॉइन बेस के ऑफिशियल पेज पर भी है। और इन्होंने डोजकॉइन से रिलेटेड इतने ज्यादा ट्वीट्स किए हैं, एज यू कैन सी दैट हियर, 13 घंटे पहले कहा एक, इसके बाद में 10 घंटे पहले भी कहा है डोजकॉइन इज नाउ ऑन कॉइन बेस एंड वी आर गिविंग अवे $1.2 मिलियन $1 इन डोजकॉइन टू सेलिब्रेट ऑप्टी एंड देन बाय एंड सेल $100 इन डोजकॉइन बेस बाय। मतलब यहां पर अगर आपको जीतना है तो यहां पर कॉइन बेस की ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां पर डिटेल्स भी प्रोवाइड है, आप जीत सकते हैं 1.2 मिलियन, मतलब कितना होता है आप देख सकते हैं, और वो भी डॉलर्स में, अमेरिकन वैल्यू में। इसके बाद में है डोजो इज हियर वी आर फेलिंग जेनरस, और कुछ यहां पर नीचे यहां पर बताया गया GIF, हम देख लेते हैं क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है, यहां पर उसको स्टॉप करके बताना है हमें। इसके बाद में नीचे है डोज से रिलेटेड है 11 जगह डोजकॉइन इज लाइन लॉन्चिंग ऑन coinbase.com 11 घंटे पहले कहा था, iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए है, और लगभग 13-15 मिनट में हो जाएगा, रात को लगभग न्यूज आया था 11 घंटे पहले, और यू मे नीड द रिफ्रेश योर ऐप प्रॉपरली, बार बार रिफ्रेश कर दो और यहां पर डोज आ जाएगा, लाइव हो जाएगा। इसके बाद में नीचे वापस डोज डॉज इन लाइव ऑन coinbase.com डोज लाइव हो चुका है, इसके बारे में न्यूज थी। तो डोजकॉइन के बारे में इन्होंने काफी ज्यादा न्यूजेस यहां पर फैलाई है, बट अब यहां पर मेन क्वेश्चन आता है कि हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वापस यहां पर, इसके ग्राफ को देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राइस चल रहा है 26 रुपए के हिसाब से, यहां पर हमें देख रहे हैं लॉस ही लॉस हमें देखने को मिलता है, हल्का सा ऊपर जाता है नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, जितना लॉस कवर कर रहा है, जितना मतलब लॉस नीचे जा रहा है उतना वापस ऊपर नहीं आ रहा। हम देख सकते हैं कि यहां पर अगर हम देखना चाहें तो यहां पर जितना प्लस में गया हुआ है उससे नीचे आया, ठीक है, 0.4 की तरफ, फिर वापस 0.42 पर टच किया लेकिन वहां से वापस थोड़ा और नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर एकदम से नीचे आया, फिर वापस उतना ऊपर गया है लेकिन उतना वापस हाई नहीं बना पा रहा जितना पहले गया, और लगातार लॉस में आता ही जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात होगी अगर कोई यहां पर न्यूज नहीं आती है इससे रिलेटेड, कोई भी अपकमिंग न्यूज वगैरह हमें बढ़िया नहीं देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली इसका प्राइस नीचे जाएगा। ऊपर से बिटकॉइन भी क्रैश हो चुका है, बट बिटकॉइन के बारे में ये एक न्यूज है, इससे पहले जस्ट मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन में अवेलेबल होगी, वहां पर मैंने पूरा बताया कि मार्केट क्रैश हो चुका है, मार्केट क्रैश का रीजन वगैरह क्या है और कैसे बढ़ेगा और कैसे नहीं बढ़ेगा, और बिटकॉइन गोल्ड के भी बारे में मैंने बात की है वहां पर, तो उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो ये भी जो फंडामेंटल है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं, अभी कोई भी नए इन्वेस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से ये मार्केट सही नहीं है, बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यू कैन डू एवरीथिंग एट योर ओन रिस्क। तो अब अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं लगभग 26-27 रुपए के हिसाब से, कॉइन बेस प्रॉपर लिस्ट हो चुका है, कॉइन बेस पर लिस्ट हो चुका है, बट अगर यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी ज्यादा वृद्धि हमें देखने को नहीं मिली, पहली बात एलोन मस्क का कोई ट्वीट नहीं आ रहा अभी तक भी नहीं आ रहा, क्रॉस हो चुका है मार्केट, पूरा क्रैश हो चुका है, और इसके बाद में कोई नए इवेंट्स भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर प्राइजेस में हमें उछाल देखना थोड़ा कम मिल सकता है, बट क्रिप्टो मार्केट है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो डोजकॉइन से रिलेटेड यही अपडेट था, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।